सरकारी अस्पताल, अस्पताल में फैली गंदगी, पीने के लिए पानी तक नहीं, डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं, मरीजों के टूटे हुए पलक। नमस्कार, मैं हूं शरद व्यास और इंडिया फर्स्ट की खास पेशकश हॉस्पिटल ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। जी हां, ये सच्चाई है विदिशा जिले के बासुदा तहसील के सरकारी अस्पताल की, जहां रोजाना सैकड़ों और हर महीने एक बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं। बजट तो समय समय पर इस अस्पताल को मिलता है, लेकिन जाता कहां है ये किसी को नहीं पता। आइए आप भी देखिए इंडिया फर्स्ट की एक और पड़ताल। हमारे यहाँ जो एमओ की पोस्ट है उसमें हमारे 9 डॉक्टर पदस्थ हैं। कि हमारे यहाँ जो अदर इमरजेंसी जो हमारे यहाँ सर्जन की पोस्ट है, मेडिसिन की, सर्जरी की, ऑर्थोपेडिक की, आईज के की, डेंटल की, ये पोस्ट खाली है। अभी गए थे पर्चा लेने, पर्चा दे दो दवा, कुछ सर सुनी नहीं। वो मैडम बोली वो कहां से आ जाते। जो हालात मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों की ओर जाने से मरीज भी कतराने लगेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य मंत्री उनकी इस मेहनत पर पलीता लगाने में लगे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, इंडिया फर्स्ट की हॉस्पिटल ऑफ हॉरर की अगली कड़ी में एक और सरकारी अस्पताल की हकीकत आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, लॉग ऑन करें indiafirst.online।